डीजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, हर आइटम 99 रुपीस में, बेगम बाजार थर्ड फ्लोर अजीज प्लाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है जो यूरोप में बीमारी फैल रही है कोरोना वेरिएंट की। कोरोना वेरिएंट के पेशेंट्स अब हिंदुस्तान में भी पाए जा रहे हैं, यानी हमारे देश भारत में भी 6 ऐसे लोगों को बीमारी आई है जो कि यूके से ट्रैवल कर इंडिया को आए हैं। ऐसे 6 पेशेंट्स इस वक्त मौजूद हैं हमारे देश में। तो आइए इसकी तमाम तफसीलात हमारे दिल्ली की इंचार्ज फारिया खान आपको सुनाएंगे। ये भारत में पहली बार यूके वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को पाया गया है। 6 मरीजों में 6 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि ये यात्री ब्रिटेन से लौट रहे थे, 6 मरीज थे जिसमें ये नया वेरिएंट कोरोना वायरस का पाया गया है। इन सभी लोगों को सिंगल आइसोलेशन रूम में रख दिया गया है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच यूके में तकरीबन 33,000 लोग भारत आए थे, जिसमें से अब तक 114 लोग कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के शिकार हुए हैं। तो बता दें कि खबर ये भी आ रही कि इन सभी मरीजों को उन्हीं के स्टेट्स में खास तौर पर एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में रखा गया है। ना ही सिर्फ उनकी हेल्थ फैसिलिटी का ध्यान रखा गया, बल्कि जो उनके करीबी लोग थे, उनके परिवार वाले थे, उन लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों ने परिवार के लोगों से मुलाकात करी है, उन सबको टेस्ट के लिए बोला गया है। आखिर में आपको ये भी बता दें कि ये नया वेरिएंट जो कि अब भारत में फैल गया है, उससे पहले ये कोरोना वायरस का यही वेरिएंट डेनमार्क, नाइजीरिया, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली में भी पूरी तरह से मामले इसके सामने आए हैं। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबेट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।